ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं बल्कि लाखों युवाओं का सपना है। ये एक इमोशन है जिसके लिए लाखों युवा दिन रात एक करते हैं, मेहनत से इसे पाते हैं। ये यूनिफॉर्म ना केवल एक साधारण वस्त्र है बल्कि ये एक ऐसा प्रतीक है जिसे लाखों युवा अपने जीवन का सपना मानते हैं। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में छुपा हुआ है एक अद्वितीय गर्व और सम्मान का भाव। इससे पहनने वाले सैनिक और अधिकारी आपको बता देंगे कि यूनिफॉर्म ना सिर्फ उनकी पहचान है बल्कि उनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग भी है। यूनिफॉर्म द्वारा व्यक्त होता है समरिकता, संघर्ष की भावना और समर्पण एवं सेवा की भावना। और आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आप पाएंगे कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म रेजिमेंट टू रेजिमेंट डिफर करती है। दो अलग रेजिमेंट के ऑफिसर द्वारा पहनी जाने वाली यूनिफॉर्म में आपको काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। पर अब इंडियन आर्मी ने इस फर्क को हटाकर एक कॉमन यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन यूनिफॉर्म। इंडियन आर्मी ने ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक ऑफिसर के लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। यानी अब से सभी सीनियर ऑफिसर्स को अपने रिस्पेक्टिव आर्म्स और सर्विसेज के तथ्यान को छोड़कर कॉमन यूनिफॉर्म पहननी होगी। इस कॉमन यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य है सीनियर ऑफिसर के बीच एक कॉमन पहचान और एकता को मजबूत करना। ये निर्णय 1 अगस्त से लागू होगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द यूनिफॉर्म। कॉमन यूनिफॉर्म में सभी सीनियर ऑफिसर के हेड गियर, शोल्डर रैंक बैजेस, गॉर्गर्ड पैचेस, बेल्ट और शू स्टैंडर्ड और कॉमन हो गए। ये यूनिफॉर्म उनकी अलग अलग रेजिमेंट और सर्विसेज की पहचान को नहीं प्रदर्शित करेगी। इस कॉमन यूनिफॉर्म के तहत सीनियर ऑफिसर को उनकी आर्म, सर्विस या रेजिमेंट से मिली पहचान को छोड़कर कॉमन यूनिफॉर्म पहननी होगी। ये निर्णय अप्रैल में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया गया था। कॉमन यूनिफॉर्म के तहत सीनियर ऑफिसर्स अब अपने रिस्पेक्टिव आर्म्स और सर्विसेज के अक्यूटरमेंट्स नहीं पहनेंगे। बेल्ट बकल्स को अब इंडियन आर्मी क्रेस्ट वाले बकल से रिप्लेस किया जाएगा। शोल्डर रैंक बैजेस सभी सीनियर अधिकारियों के लिए गोल्डन हो गए। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स अब मैरून कॉलर टैब्स की जगह पर रेड कॉलर टैब्स पहनेंगे। ये चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीनियर अधिकारियों को एक कॉमन पहचान देने के साथ साथ सेना के सच्चे स्वाभिमान को भी दर्शाएगी। खैर, हम वीडियो के लास्ट पार्ट में डिटेल में देखेंगे कि 1 अगस्त से एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में किए गए हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस चेंज को क्यों लाया गया है और इस न्यू यूनिफॉर्म का क्या सिग्निफिकेंस है। पहले के समय में जूनियर एंड सीनियर दोनों ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म उनके रिस्पेक्टिव आर्म्स, रेजिमेंट्स और सर्विसेज के अनुसार अलग अलग होती थी। यानी दो डिफरेंट रेजिमेंट के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख सकते थे। कुछ रेजिमेंट तो अपनी स्पेशल ड्रेस के कारण भी फेमस है। फिर चाहे हम बात करें गोरखा राइफल्स के ट्रेडमार्क हेड्स की, या फिर आर्मर्ड रेजिमेंट्स के ब्राउन शूज की, या फिर स्पेशल फोर्सेस एंड पैरा ट्रूपर्स के फेमस मैरून बेरे की। फिलहाल राइफल रेजिमेंट्स जैसे गोरखा राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर्स ब्लैक रैंक बैजेस को पहनते हैं, जो बाकी ऑफिसर्स के कंपैरिजन में इनको डिफरेंट आइडेंटिटी देता है। फिलहाल ऑफिसर के बेल्ट बकल्स एंड लैनियर्ड आर्म्स सर्विस स्पेसिफिक होते हैं, जो इन्हें अगेन डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसके अलावा बैरे की बात करें तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स द्वारा यूज किए जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेडगियर है। बैरे को इंडियन आर्मी की डिफरेंट आर्म और रेजिमेंट के अकॉर्डिंग पहनते हैं और इनका कलर भी अकॉर्डिंगली वेरी करता है। ऑफिसर के बैरे के कलर से उसकी रेजिमेंट का पता लगाया जा सकता है। आर्मर्ड कोर के ऑफिसर ब्लैक बैरे पहनते हैं, वही आर्मी एविएशन कोर के ऑफिसर ग्रे कलर बैरे यूज करते हैं। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस जो इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस है, उनके पर्सनल्स को रेड बैरे, व्हाइट लैनियर्ड और बेल्ट से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर हम बात करें मैरून बैरे की, जिसे हर कोई आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो मैरून बैरे को इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एसोसिएटेड है विद एयरबॉर्न फोर्सेस। और क्योंकि हम फिलहाल इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो इस मैरून बैरे को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज और पैरा ट्रूपर्स द्वारा पहना जाता है। बाकी अगर आप इंडियन आर्मी की डिफरेंट आर्म, रेजिमेंट और सर्विस द्वारा कौन से कलर का बैरे यूज किया जाता है, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट आइडेंटिटी जरूरी भी है और इसी कारण से कर्नल और उससे नीचे के ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। उनके यूनिफॉर्म और अक्यूटरमेंट्स ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले। देखिए जूनियर लीडरशिप,
और रैंक और प्रोफाइल के लिए ये रेजिमेंटल आइडेंटिटी और जज्बा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यूनिट लेवल पर एक अलग पहचान होने से सेना के अधिकारियों और जवानों में एक मजबूत रिश्ता बना रहता है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है जिसे सालों से यूज किया जा रहा है और आगे भी यूज किया जाएगा, और इसी कारण से 1 अगस्त के बाद भी कर्नल एंड बिलो रैंक ऑफिसर्स वही यूनिफॉर्म को पहनेंगे जो अब तक वो पहनते आ रहे हैं। पर जब बात आती है सीनियर ऑफिसर्स की तो यहाँ पर एक कॉमन यूनिफॉर्म की जरूरत महसूस होती है। दरअसल सीनियर ऑफिसर्स ऑलरेडी यूनिट्स को संभाल चुके होते हैं और अब एज सीनियर ऑफिसर्स वो अधिकांश तौर पर हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट्स में रहकर काम करते हैं, जहां पर अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर्स भी होते हैं और ये सभी एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पर कौन सा ऑफिसर्स किस रेजिमेंट से हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। इवन फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा का मानना है कि जब एक ऑफिसर एक पर्टिकुलर रैंक पर पहुंच जाता है तो रेजिमेंटल एफिलिएशन को दूर किया जा सकता है, और इसी कारण से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया ताकि कॉमन यूनिफॉर्म के तहत सीनियर अधिकारियों की रेजिमेंटल और सर्विस एफिलिएशन नहीं प्रदर्शित हो। इस कॉमन यूनिफॉर्म से उनकी पहचान एक साथ होने के साथ साथ सेना की असली परंपरा को भी दर्शाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ने अपने यूनिफॉर्म में पहले कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि 2022 में ही न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन आर्मी ने आर्मी डे यानी 15 जैन 2022 को न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म शोकेस की थी। इस न्यू यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के कंसल्टेशन और दूसरी कंट्रीज की मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को स्टडी करने के बाद बनाया गया है। इस न्यू यूनिफॉर्म में डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न का यूज किया गया है जो बेटर कैमोफ्लेज प्रोवाइड करने के साथ ही लाइटर, ड्यूरेबल, क्लाइमेट फ्रेंडली और डिफरेंट टेरेन के लिए सूटेबल है। न्यू यूनिफॉर्म में पर्सनल्स को शर्ट ट्राउजर में टक्ड इन करने की जरूरत भी नहीं होगी, जिसके कारण ये ड्रेस ज्यादा कंफर्टेबल होगी। इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर सभी सोल्जर्स विद इन 2 ईयर्स यानी 2024 तक स्विच कर जाएंगे। क्या आपको पता है इस न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लेकर भी एक रूल आर्मी द्वारा फॉलो किया जाता है? देखिए, ऑपरेशनल एरिया में तो सोल्जर्स इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पहनेंगे ही, पर इसके साथ ही न्यू दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड ऑफिसर्स को भी फ्राइडेज को इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पहनना होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 टू 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। चलिए अब देखते हैं कि 1 अगस्त से जो यूनिफॉर्म सीनियर ऑफिसर्स के लिए इंट्रोड्यूस होने वाली है उसमें किस किस चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है। सबसे पहले तो सभी सीनियर ऑफिसर्स गोल्डन रैंक बैजेस का यूज करेंगे, यानी राइफल रेजिमेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स अब ब्लैक रैंक बैजेस का यूज नहीं कर पाएंगे। शोल्डर रैंक बैजेस के अलावा इंडियन आर्मी ने हेड गियर, गॉर्गल पैचेस, बेल्ट एंड शूज को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया है, यानी अब सभी सीनियर ऑफिसर्स को कॉमन हेडगियर को यूज करना होगा। बेल्ट बकल्स जहां पहले आर्म्स और सर्विस स्पेसिफिक होती थी, वही अब इंडियन आर्मी के लिए क्रैश वाले बकल्स के साथ रिप्लेस किया जाएगा। सभी सीनियर ऑफिसर्स अब बस ब्लैक ब्रोक्स को ही यूज करेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस कॉमन यूनिफॉर्म के तहत सीनियर ऑफिसर्स आर्म्स, रेजिमेंट्स और सर्विस स्पेसिफिक लैनयार्ड को भी नहीं पहनेंगे। और लास्ट में टॉप डॉक्टर्स अब मैरून के बदले रेड कलर कॉलर टैब्स पहनेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए कॉमन यूनिफॉर्म को 1 अगस्त से इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है। इस यूनिफॉर्म के पहनने से सीनियर ऑफिसर्स में एक समानता और एकता का आभास होगा। ये यूनिफॉर्म उनकी पहचान को मजबूत बनाएगी और इस न्यू चेंज के तहत सीनियर ऑफिसर्स के अक्यूट्रमेंट्स और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और कॉमन हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।